हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जी कोड के ऊपर, और स्पेशली जी कोड के ऊपर तो मैंने वीडियो बना चुका हूं और आप देख भी लिए होंगे, लेकिन उसमें एक कोड होता है G04। हमने सुना भी होगा, जाना भी होगा, यूज भी किया होगा, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं G04 के ऊपर जो मैं आप लोगों से आज इस वीडियो में शेयर करूंगा कि ये कब यूज होता है, कहाँ यूज होता है, किस किस फॉर्मेट में यूज होता है। ठीक है, सीमेंस कंट्रोल में कैसे यूज करेंगे, फानुक कंट्रोल में कैसे यूज करेंगे, ये हम लोग इस पे शेयर करेंगे। तो ये जो G04 है ना, ये आपको पता है कि ये वन शॉट जी कोड है। तो अब जी कोड में आपने देखा होगा कि जी कोड हम लोग दो तरीके के यूज करते हैं, एक होता है मॉडल जी कोड और एक होता है वन शॉट जी कोड। तो जो G04 है ये वन शॉट है। वन शॉट का मतलब क्या हुआ कि ये प्रोग्राम में जिस ब्लॉक में लिखा जाएगा ना, केवल वहीं पे काम करेगा, अगले ब्लॉक में ये खुद ही कैंसिल हो जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जो G04 है इसको हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, तो जो G04 है ना दोस्तों, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये मशीन को या मशीन के एक्सेस को प्रोग्राम के थ्रू कहीं पर भी कुछ सेकंड आपको रोकना है तो वो रोक सकते हैं। अब कहाँ पे करते होंगे कि जैसे ये समझिए कि हम लोग G04 का यूज कहाँ करते हैं। एक तो जैसे आप कहीं पे ग्रूविंग कर रहे हैं, है ना, तो ग्रूविंग में आपको जहां पे ग्रूव का टूल लास्ट होता है ना, तो वहां पे थोड़ा सा वाइब्रेशन या चैटरिंग आती है, तो वहां पे हम लोग G04 का यूज करके उस चैटर मार्क को इम्प्रूव कर देते हैं, या उसकी ग्रूविंग की जो फिनिशिंग है उसको थोड़ा अच्छा हम लोग कर देते हैं। तो एक तो हम लोग ग्रूविंग वगैरह में कर लेते हैं CNC टर्निंग पे, दूसरा हम लोग कहीं पे रीमर वगैरह चलाते हैं, है ना, या रीमिंग ऑपरेशन करते हैं BMC पे, तो वहां पे भी हम लोग जितनी देर के लिए चाहें रीमर को G04 का यूज करके रोक सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि कई बार जो हमारी टरेट होती है ना, तो टरेट में जो टरेट इंडेक्सिंग है, टरेट इंडेक्सिंग में भी एक सेटिंग होती है पैरामीटर्स में, या एक ऐसा मना होता है कि एक टूल जब इंडेक्स होता है तो एक सर्टेन टाइम में उसको इंडेक्स हो के और लॉक हो जाना चाहिए। लेकिन किसी भी वजह से अगर टरेट इंडेक्स हो के और लॉक होने में थोड़ा सा डिले करती है तो मशीन में एक टाइम आउट का अलार्म आ जाता है। ठीक है ना, तो अब वहां पे टरेट में अलार्म आ गया, मशीन नहीं चल रही है, तो आप अलग से G04 का यूज करके मशीन को अलग से एक दो सेकंड के लिए रोक सकते हैं, ताकि आपका जो प्रोग्राम है या मशीन है वो चलती रहे। बाकी उसको हम लोग मेंटेनेंस को दिखाएंगे कि भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है, बट आपकी मशीन मेंटेनेंस में नहीं जाएगी, आप प्रोडक्शन पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार जो आपका चक है, स्पिंडल कह लें या चक हम लोग टर्निंग में यूज करते हैं, तो इसमें भी हम लोग इसकी जो रोटेशन है ना M03 या M04, तो कई बार जब हम लोग कोई टूल को क्लॉकवाइज चलाते हैं और नेक्स्ट सीक्वेंस में उसको एंटी क्लॉकवाइज चलाना होता है स्पिंडल को, तो स्पिंडल क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज आने में भी एक सर्टेन टाइम में उसको रुक करके और चेंज हो जाना चाहिए। बट कई बार जब मशीन में कोई दिक्कत आती है या कोई ब्रेक मोटर की जो यूनिट होती है, ब्रेक यूनिट, वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है,
तो भी ये टाइम आउट का अलार्म आ जाता है। जैसे M3 से M4 होना है तो वो जरूरी नहीं है हर मशीन में आए, बट कई बार ये दिक्कतें आती हैं। तो वहां पे भी हम लोग G04 का यूज करके हम अलग से उसको डिले टाइम करके और अपना काम कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी इसके अलावा कई जगह हो सकती है। अब हम लोग देखते हैं कि G04 को किस किस फॉर्मेट में लिखते हैं वो समझते हैं। ठीक है ना, तो इसको जो हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में लिखते हैं वो समझे, तो इसको एक तो हम लोग G04X लिखते हैं। तो X में आप सिंपल यहां पे 2 लिख दिया तो समझिए कि ये 2 सेकंड के लिए हो गया। यहां पे जो 2 है ये जो टाइम इन सेकंड है, टाइम इन सेकंड, ये 2 सेकंड हो गया। कुछ मशीनों में इसी को G04X के जगह पे U भी मशीन लेती है, तो हम लोग यहां पे भी U2 लिख देते हैं। यहां पे भी ये टाइम इन सेकंड है, लेकिन अगर किसी मशीन में G04 के साथ X या U के जगह पे आप P लिखते हैं तो फिर ये P जो है ये टाइम तो है लेकिन ये मिली सेकेंड में, तो वहां पे 2 सेकेंड के लिए आपको 2000 लिखना पड़ता है। तो यहां पे ये जो है ये है टाइम इन मिली सेकेंड। टाइम इन मिली सेकेंड। अब ये मशीन में ये कुछ मशीनें होंगी जो आपका ये तीनों में कोई भी फॉर्मेट ले लेती हैं, कुछ केवल ये लेगी या कुछ ये लेगी, तो मशीन में जो भी फॉर्मेट में मशीन लेती है आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जो तीनों कोड है ये यूज होते हैं फानुक में। ये जो कोड है ये यूज होते हैं फानुक कंट्रोल में, लेकिन इसी को आप अगर सीमेंस में यूज करते हैं तो सीमेंस में दोस्तों एक्स यू या पी नहीं यूज होता है। तो सीमेंस में अगर हमें डबल टाइम डालना है तो कोड तो यही रहेगा, लेकिन एक्स के जगह पे यहां पे एफ लिखते हैं, F2 लिखेंगे। तो ये F2 का मतलब है कि ये 2 सेकेंड हो गया। ये यहां पे जो है ये टाइम ही है इन सेकेंड, ये 2 सेकेंड के लिए हो गया। तो सीमेंस में हम लोग ऐसा भी रोक सकते हैं, या वहां पे एक अलग से फीचर्स होता है कि आप G04 में S लिख देते हैं, S, और यहां पे S जो है ये रोटेशन है ऐसा स्पिंडल की, तो ये S स्पिंडल रोटेशन है। और अगर आपने यहां पे कुछ भी डाल दिया, 30 डाल दिया, आप यहां पे समझे कि ये जो 30 है ये रोटेशन है। अब यहां पे क्या होगा कि आपका जो मशीन का एक्सिस है जहां भी है वहीं पे रहेगा, और वो कब तक रुकेगा, जब तक आपका स्पिंडल 30 राउंड लगा लेगा तब तक वो रुका रहेगा, समझ रहे। तो अब ये प्रोग्राम में अलग अलग तरीके से हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में इसको यूज करते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसको प्रोग्राम में कैसे ब्लॉक बनाते हैं, हम उसे समझते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं कि एक तो आपको अगर इसको यूज करना है, जैसे मान लीजिए हमने बताया कि हमें इसको करेट में यूज करना है या ग्रुप बनाने में यूज करना है, तो ग्रुप बनाने में कैसे यूज करते हैं। जैसे आप यहां पे कोई ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, ये जो भी डायामीटर है, अभी तो आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, समझा होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये 40 है, जितने का भी ग्रुपिंग टूल है वो यहां पे आता है। तो ग्रुपिंग के केस में हम लोग कैसे यूज करते हैं कि अगर आपने कुछ जो भी प्रोग्राम की लाइनें लिखी होंगी, जब हम लोग यहां पे ये 40 है, ये 50 मान लें,
ये जेड में जो भी है, आपने जब प्रोग्राम में लिखते हैं ना ग्रुप बनता हुआ एक्स में, वो 40 पे आता है, फीड आपने डाल दिया 0.05 या 0.08। अब वो टूल यहाँ पे ऐसे आ चुका यहाँ पे, तो अब यहाँ पे मैं चाहूँ तो G04 लिख करके एक्स में 2 लिख दिया। तो अब ये क्या हो गया दोस्तों कि ये 2 सेकेंड तक यहीं पे रुका रहेगा और फिर ऊपर हम लोग उठा लेंगे G0X में 52। तो ग्रुपिंग में हम लोग यहां पे ये यूज कर सकते हैं बड़े आराम से, क्लियर। दूसरा हमने बताया कि ये यूज हम लोग करते हैं टरेट में, चलिए यहीं पे दिखा देता हूं। तो ये ग्रुपिंग में यूज हो गया, दूसरा हम लोग यूज करते हैं टरेट में या ग्रुपिंग के लिए, ऐसा समझ लो। और ये टरेट के लिए ये रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं होता, बट जब कभी कोई दिक्कत आती है तब के लिए है, हम इसका यूज कर सकते हैं। अब टरेट में क्या होता है दोस्तों कि आपने यहां कोड लिखते हैं G28U0W0, रेफरेंस पे गया, यहां पे आपने टूल नंबर कॉल कर लिया T0505। आगे क्या होता है, हम लोग यहां पे तुरंत ब्लॉक लिख देते हैं, कुछ भी X100Z50 वो जो भी लिख दिया आपने, तो अब इसमें क्या होगा कि मशीन जैसे इसको पढ़ेगी, ये पढ़ेगी, फिर ये पढ़ेगी, तो उसमें एक टाइमर्स होता है कि एक सेट टाइम के बाद, ये ब्लॉक के बाद वो इस पे आ जाएगी। बट किसी वजह से टरेट में कुछ ऐसा दिक्कत है कि वो डीक्लैंप होके ऐसा रोटेट होके लॉक नहीं हुई और मशीन अगले ब्लॉक को पढ़ेगी तो टाइम आउट का अलार्म आ जाता है। उस केस में हम चाहे तो, जब ऐसी सिचुएशन है तो आप अलग से यहाँ पे G04X23 जो भी आप चाहें, या जो भी मशीन जिस भी फॉर्मेट को लेती है उस फॉर्मेट के लिए आप ऐसा डाल सकते हैं, क्लियर है ना। तो ये हम लोग ब्लॉक में ऐसे उसको यूज कर लेते हैं। तो ये 2 आपने देखा, उसके बाद जो तीसरा मैंने बताया था वो होता है रिमिंग में। रिमिंग ऑपरेशन करते हैं ना बीएमसी पे या एचएमसी पे, तो वहां पे क्या रहता है कि अगर हमारा कोई भी ऐसा वर्क पीस है और ये 25 मान लिया हमने, तो यहाँ पे रिमिंग होता है, वो रिमर एक टूल आएगा और जब वो रिमिंग इसके अंदर पूरा आ गई ना, मान लीजिए यहाँ पे रिमर है जिसमें ये रिमिंग करना है, इसका जो हम लोग प्रोग्राम कुछ ऐसा लिखते हैं G01Z-25 फीड, हम जितना भी लिख दें 40-50 कुछ भी ऐसा। तो अब यहां पे मुझे रोकना है तो हम लोग G04, ठीक है ना, अगर P हम लिखें तो P 2 सेकेंड लिखना या 5 सेकेंड लिखना, 5 सेकेंड के लिए हम यहां पे 5000 ऐसा लिख देंगे, फिर उसके ऊपर आपको ऊपर निकालना है तो आप G01 में निकालें, G0 में निकालें जो भी, लेकिन यहां पे हम लोग डावल टाइम का यूज कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद दोस्तों हम लोग यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया कि स्पिंडल या चक में, स्पिंडल ऑब्लिक चक के लिए, तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि आप यहां पे N1 में कोई टूल चला रहे हैं जैसा मैंने बताया, और ये चला रहे हम लोग कुछ भी ऐसा, मैंने स्पिंडल के लिए डाल दिया S, या आप कोड भी लिखते हैं ना यहाँ पे, तो आपने कुछ ऐसा लिख दिया G97S1500M03, तो ये N1 में ऐसा चल गया। फिर यहाँ पे जब हम लोग इसको N2 में चलाते हैं और N2 में मुझे इस स्पिंडल को
चलाना है G97S, कुछ भी 1500-1800 कुछ भी हो सकता है RPM, और M04 में। स्पेशली क्या होता है कि यहाँ पे M03 है और यहाँ पे M04 है, तो इस बीच में क्या होता है कि स्पिंडल का जो रोटेशन है वो स्टॉप होगा फिर रिवर्स घूमता है, तो ये भी एक सर्टेन टाइम में ये हो जाना चाहिए, बट किसी वजह से नहीं हो पाया तो टाइम आउट का अलार्म आ जाता है। तो अब ये तो एक तो इसके लास्ट में हम M05 लिखते ही हैं, ठीक है ना, बट जरूरत पड़ती है तो M05 के नीचे ही हम G04X कुछ भी, 2 सेकेंड रोकना है तो आप यहाँ पे 2 लिख दें, तो वो दिक्कत जो जिसकी वजह से टाइम आउट का अलार्म आ रहा था वो सॉल्व हो जाता है। तो दोस्तों ये कई अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि एक ये छोटी सी वीडियो है जो 10-15 मिनट 16 मिनट की होगी, तो इसको देखने के बाद समझने के बाद आपके नॉलेज में कुछ न कुछ इजाफा हुआ होगा, कुछ न कुछ बढ़ोतरी हुई होगी मुझे उम्मीद है, और आपको ये अच्छा भी लगा होगा क्योंकि अब तक G04 पे हमने बहुत सारा नॉलेज था बट एक कंप्लीट नॉलेज हो गया ऐसा मुझे उम्मीद है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको आप फैलाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।